बिहार की राजधानी पटना में सितंबर की शुरुआत में भारी बारिश के कारण हुए जल जमाव ने किसी को नहीं बख्शा है। बेबसी का आलम ऐसा था कि राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी तक को परिवार समेत रेस्क्यू करना पड़ा। नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मदद की आस लगाए जनता के बीच ट्रैक्टर पर राहत सामग्री लादे पप्पू यादव वहां पहुंचे। उनके काम की अब हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। पप्पू यादव ने कहा कि नेताओं ने लोगों को मार दिया है। उन्होंने कहा, सुशील मोदी 15 साल विपक्ष में रहे और 15 साल सत्ता में, 30 साल उनके रहने के बावजूद उनका मोहल्ला डूब गया, जहां बिजली, पानी, खाना और दूध कुछ भी नहीं है। पप्पू ने कहा कि जब सुशील मोदी को परिवार समेत बचाया जा रहा था तो एक बच्चा लगातार रो रहा था, वो गुहार लगा रहा था, अंकल मुझे निकाल दो, मैं मर जाऊंगा अंकल। लेकिन डिप्टी सीएम जनता को ऐसी स्थिति में छोड़कर परिवार समेत वहां से निकल गए। उन्होंने मदद मांग रहे लोगों की तरफ देखा तक नहीं। पूर्व सांसद ने कहा, पटना पैसे वालों और बुद्धिजीवियों का गढ़ है। पटना में राजपूत, भूमिहार, लाला और वैश्य जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहे इनकी जिंदगी बर्बाद कर दे, ये उनका वोट बैंक बना रहेगा। विपक्ष ये सोचकर कुछ नहीं करता कि ये भाजपा का वोटर है, उनका क्या जाता। पप्पू बताते हैं कि इसी सियासत के चक्कर में सिर्फ राज्य की राजधानी नहीं बल्कि पूरा राज्य ही बर्बाद हो गया है और पटना में पनपी बाढ़ की स्थिति पर जो भी बवाल मचा है, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में हर साल आने वाली बाढ़ की स्थिति का कोई सुध नहीं लेता। जून के महीने में बिहार के मुजफ्फरपुर और उनके आसपास के इलाकों में चमकी बुखार ने कहर ढाया था। इसके बाद आई बाढ़ ने भी राज्य में तबाही मचाई। इन सब पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए यादव ने कहा, जब चमकी बुखार आया तो कहा कि गर्मी के कारण ऐसा हुआ, बाढ़ आई तो नेपाल के माथे ठीकरा फोड़ दिया गया, जैसे इनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी। जब पूर्व सांसद से पूछा गया कि वो लोगों की मदद के लिए पैसे कहां से ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने अपनी मां की 22 कट्ठा जमीन बेचकर पैसे जुटाए, उसके बाद उन्हें आम लोगों से मदद मिलने लगी, जिसकी वजह से उनके अकाउंट में 5 लाख से ऊपर की रकम आ गई। यही नहीं, लोगों ने पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए उन्हें चूड़ा, गुड़ और सत्तू जैसी चीजें भी दी है और उन्हें कैश में भी 10 लाख तक की रकम मिली है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।